हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट अ मैथ सब्जेक्ट क्लास 9 एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1। गिवन इन दिस क्वेश्चन टू सर्कल्स ऑफ अ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट। टू सर्कल दे रखा है, इसका सेंटर पी एंड क्यू, टू सर्कल दे रखे हैं जो हमारे एम और एन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, और जो PM हमारी PM रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्किल गिवन 5 सेंटीमीटर, MQ इज द रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल गिवन 3 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ बोथ सेंटर्स ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर गिवन हियर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड की लेंथ हमें पता करनी है। कॉमन कॉर्ड क्या होती है? अ लाइन व्हिच डिवाइड इन टू पार्ट अ सर्किल, किसी सर्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड करे, किसी सर्किल को टू पार्ट्स में डिवाइड करे, वो लाइन हमारी क्या कहलाती है? कॉर्ड ऑफ सर्किल, कॉर्ड ऑफ सर्किल कहलाती है। तो यहाँ से एम एन क्या हो जाएगी? एम एन हमारी कॉर्ड ऑफ सर्किल हो जाएगी। तो हमें एम एन की लेंथ पता करनी है। एम एन की लेंथ निकालने से पहले क्या करेंगे? हम एम एल की लेंथ निकालेंगे। एम एल की लेंथ निकल आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको डबल कर देंगे हम, तो हमारी एम एन की लेंथ निकल आएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर द ट्रायंगल पी एम क्यू। पी एम क्यू में गिवन दे रखा है पी एम इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एम क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सो ऑन ईयर वी चेक, ईयर हम लोग चेक करके देखते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस एम क्यू एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर। अब रीचेक करेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया? बेस हो गया, ये हाइट हो गए, और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूस हो गया, ये कह सकते हैं परपेंडिकुलर हो गया। 4 4 16 3 3 9 69 कितना हो जाएगा? 25, 5 का स्क्वायर 25, LHS RHS क्लियर हो रहा है। तो इससे क्लियर हो रहा है पी क्यू एम जो ट्रायंगल होगा वो क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्लियर हो गया, अब ये तो क्लियर हो गया कि राइट ट्रायंगल होगा, तो हमें ये क्लियर करना है कि इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सी होगी। जो हाइपोटेन्यूस क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूस तो लॉन्गेस्ट साइड होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हो गया, अब हम इसे निकालेंगे राइट एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री का एंगल कौन सा होगा इस ट्रायंगल में। तो जो हमारे हाइपोटेन्यूस होता है, हाइपोटेन्यूस की जो सामने का जो राइट जो एंगल होता है सामने का, वो क्या कहलाता है हमारा भाई? एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। तो यहाँ से ये एंगल आ जाएगा 90 डिग्री। डायग्राम जरा ठीक से नहीं बना है, नहीं तो फिगर भी क्लियर हो जाता। सो कह सकते हैं पी एम क्यू इज अ राइट ट्रायंगल एट एंगल क्यू, जो एंगल क्यू है 90 डिग्री का है। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया पी क्यू एम, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? यू नो वी नो 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस हमारा कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। इसमें बेस और हाइट चेंज कर सकते हो, देयर इज नो इफेक्ट। सो 2 2 4 3 2 6, तो पी क्यू एम का जो एरिया आ जाएगा क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन दोबारा बात करते हैं, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एम में 1/2 बेस तो हमारा ये आ गया 4 सेंटीमीटर, हाइट हमारी क्या आ गई LM, हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल। सो यहां से आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ पी क्यू एम, फाइंड आउट कर चुके हैं 6 सेंटीमीटर पुट कर दिया, 2 2 4 हो गया, और LM की जो लेंथ आ जाएगी 6 upon 2 2 3 6, जो LM आ गया, LM कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया। नाउ जो हमारा MN होगा, MN हो जाएगा वो डबल हो जाएगा LM के, क्यों हो जाएगा? जितना पार्ट ये अपर साइड में होगा उतना ही पार्ट क्या होगा? डाउन वार्ड होगा। तो MN इक्वल टू हो जाएगा 2 into LM, MN इक्वल टू हो जाएगा 2 3 6 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी? यही हमारी कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। और ये हमें पता भी होना चाहिए कि जो हमारा सर्किल होता है, देख नहीं रहा जी, हाँ कोई सर्किल होता है अगर उसकी कॉर्ड है, ठीक है, रेडियस जो होती है हमारी, सर्किल अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो इसमें जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जब परपेंडिकुलर डालते हैं इसके, तो हमारा क्या करता है? ये बाइसेक्ट करता है दोनों सर्किल को, दोनों सर्किल की जो जो साइड्स होती है उनको क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। देयर सेंटर द टू सर्किल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट, कोई टू सर्किल है हमारे, टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, देयर द सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। जो कॉमन कॉर्ड होती है उसमें क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। सो जो हमारी MN हो जाएगी, MN की लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।